हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेंपल ऑफ इंग्लिश लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टेंस की, जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और हमारे वही दो पार्ट, व्हाट टू यूज, वेयर टू यूज। हमने इसमें यूज क्या करना है, जब हमारे पास सिंगुलर नाउन है या ही शी इट प्रोनाउंस हैं, तो उसके साथ वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये हम लगाएंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है, वी यू दे प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, पॉजिटिव सेंटेंस में। और अगर हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, नेगेटिव सेंटेंस हैं, तो इनके साथ नॉट लग जाएगा, वॉज नॉट, और प्लूरल में लग जाएगा वर नॉट। और अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, तो वो आप जानते ही हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, आगे आ जाता है, और साथ में हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नाउ सेकंड पार्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन, वेयर टू यूज, कि हमने इस टेंस को यूज कहाँ करना है। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में किया था कि व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एक्शन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेंटेंस एंड वी आर इन द मिडल ऑफ एक्शन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट टाइम की, द टाइम विच इज इन द पास्ट एंड वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। जब हम बात कर रहे थे, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, वी वर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, हम बात कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, उस टाइम हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज करना है। लेट्स डू सम एग्जांपल्स विच विल मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर। फर्स्ट है हमारे पास वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ हम वर यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग एंड आईएनजी, दैट मींस हम बात कर रहे हैं पास्ट की, पास्ट टाइम की। और जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, दैट मींस कि उस टाइम काम हो रहा था। We were in the middle of an action of singing a song. और अगर हम हिंदी में बात करें तो जब हमारे पास सेंटेंस के एंड में आता है रहा था, रहे थे, रही थी, अगर एंड में ये सेंटेंस, ये वर्ड्स आएंगे, तो आपने ये समझ लेना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। We were in the middle of an action. अब देखिए, आई वॉज वर्किंग ऑल डे, वॉज वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई एन जी। अजय एंड युक्ति प्लूरल हो गया हमारे पास, तो उसके साथ हम वर यूज कर रहे हैं, अजय एंड युक्ति वर मेकिंग लंच फॉर गेस्ट्स। ये तब की बात है जब वो खाना बना रहे थे। सो क्लाउड्स प्लूरल, उसके साथ हम यूज कर रहे हैं वर नॉट, नेगेटिव स्टेटमेंट है अभी हमारे पास, क्लाउड्स वर नॉट थंडरिंग। ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, वॉच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। अब हमारे पास देखिए, ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, वॉज शी गोइंग टू लंडन यस्टरडे, वॉज जो है सेंटेंस के बिगनिंग में आ गया, was she going, go first form of verb ing, going to London yesterday, okay. Again, अब ये देखिए हमारे पास negative plus interrogative statement है, were they plural है हमारे पास, were इसके साथ हमने use किया, interrogative है तो were sentence के beginning में आ गया, were they not, negative है तो इसके साथ हमने not लगा दिया, were they not enjoying the party, were they not enjoying the party, तो ये double जो हम statement है, interrogative plus negative, और ये not जो है तो
आप इसको सब्जेक्ट से पहले भी लेके आ सकते हैं. वर नॉट दे एंजॉइंग द पार्टी या वरंट कंट्रेक्चुअल फॉर्म भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास वरंट और वॉजंट कंट्रेक्चुअल फॉर्म्स यूज होती हैं. सो दैट मीन्स ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट में आ जाता है. सो आई होप कि इन एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये टेंस जो है, ये कंसेप्ट कि हमने इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो क्लियर हो गया होगा. एंड इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू लीव द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.